कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री 12वां अध्याय। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए, कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं घमंड से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझसे यह बरबस करवाया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना न चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसे चाहता हूं वैसे तुम्हें न पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया।